Mifzal is under the table. Mifzal is under the table. Mifzal is under the table. The ball is under the table. The ball is under the table. Pen is under the table. जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे रखी हुई होती है या किसी चीज़ के नीचे होती है कोई भी चीज़, तो हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन अंडर। जैसे कि पेन जो है वो टेबल के नीचे रखा हुआ है, तो हम सेंटेंस बनाएंगे द पेन इज़ अंडर द टेबल। शूज़ आर अंडर द सोफ़ा। जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे रखी हुई होती है, जैसे कि ये सोफ़े के नीचे हमने चप्पल रखे हुए हैं और सैंडल रखे हुए हैं, तो हम प्रीपोजिशन अंडर का यूज़ करेंगे। तो मैं सेंटेंस बनाऊंगी कि शूज़ आर अंडर द सोफ़ा, यानी जो चप्पल हैं या जो सैंडल हैं वो, जो शूज़ हैं वो सोफ़े के नीचे हैं। शूज़ आर अंडर द सोफ़ा। जिस तरह से, जैसे कि किसी भी चीज़ के नीचे कोई चीज़ रखी हुई होती है, जैसे सोफ़े के नीचे जो हैं वो शूज़ रखे हुए हैं, सैंडल भी रखे हुए हैं और स्लीपर भी रखे हुए हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अंडर प्रीपोजिशन का। तो हम कहेंगे शूज़ आर अंडर द सोफ़ा। द रिमोट इज़ बिलो द लैम्प। जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है, तो हम यूज़ करते हैं बिलो प्रीपोजिशन का। जैसे बल्ब के नीचे जो है वो रखा हुआ है रिमोट, तो हम सेंटेंस बना सकते हैं रिमोट इज़ बिलो द लैम्प। व्हाट इज़ दिस इन योर हैंड? शो मी। Mifzal, what is this in your hand? It's a vote.